टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाहती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। ये न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ पेश किया जाता है। 22 से 24 मई के दौरान कश्मीर में G20 के हवाले से एक समिट होने जा रहा है। इस समिट का जोर कश्मीर के सियाहत और हैंडीक्राफ्ट्स की सनत को फरोग देना भी है। इस समिट के हवाले से जम्मू कश्मीर की बैनुल अक्वामी सतह पर क्या अहमियत बनेगी और कश्मीर पर क्या असरात मरतब होंगे, कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की राय सुनिए। चेयरमैन साहब बता रहे थे कि G20 का आयोजन 22 से 24 मई को श्रीनगर में हो रहा है। हम सब कोशिश कर रहे हैं और आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये जम्मू कश्मीर के प्रशासन का आयोजन नहीं है, यह आयोजन जम्मू कश्मीर की आवाम का है। पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर के बारे में एक धारणा बनेगी और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आयोजन हम कर रहे हैं, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट हो, यहाँ का हैंडलूम हो, यहाँ के जो भी प्रोडक्ट है, अगर यहाँ के सारे लोगों ने इस काम को सही ढंग से अंजाम दिया तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एक्सपोर्ट अब हमारा अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है, कालीन हो या पश्मीना हो या बाकी चीज़ें हो, वो आने वाले दिनों में और तेज रफ्तार से बढ़ेगा और दुनिया के इन सभी देशों में कश्मीर का सामान पहुंचेगा। ये एक अच्छा अवसर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ उपलब्ध हुआ है। कुछ लोग हैं जिनको बुखार चढ़ जाता है, कुछ भी अच्छा होता है, अपने तो किया नहीं, अब कुछ होता है तो उनके पेट में दर्द होता है, उनके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 आवाम जो है उसकी खुशी के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 500,000 लोगों जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का ठेका लिया था लंबे समय से, उनके इशारे पर जम्मू कश्मीर प्रशासन काम करने वाला नहीं है। आवाम की एक एक बात पर ध्यान देने, गौर करने का मुझे लगता है हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। एक सामान्य किसान, सामान्य मजदूर, सामान्य आदमी भी कोई शिकायत करेगा तो इस शिकायत पर पूरी तरह से गौर करके उसका समाधान करने की निश्चित रूप से कोशिश की जाएगी। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 22 मई से कश्मीर में शुरू होने वाले G20 के समिट को श्रीनगर के वासी किन लफ्जों में खुशामदीद कह रहे हैं, वो आप भी देखिए और सुनिए। It is a matter of great opportunity and privilege that Kashmir this year is hosting G20 summit. कश्मीर नहीं है, कश्मीर में बहुत अच्छे माहौल है, हालात हैं. Great pleasure to welcome all the delegates to G20 summit. It's a great opportunity for the valley and for India as well, and I think it's time that the information exchange, the idea exchange of people across the nation take place, and I hope it turns out to be a very fruitful summit.
हमारे पूरे जम्मू कश्मीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे बहुत टूरिज़्म बढ़ेगा जब पता चलेगा कि G20 हुआ, और जम्मू कश्मीर की बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं कि जहाँ दुनिया भर के फिल्म मेकर शूट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आके शूट करेंगे, और उससे हमारे जम्मू कश्मीर के लोकल फिल्म मेकरों को बहुत फ़ायदा होगा, चाहे वो टेक्नीशियन है चाहे वो एक्टर हैं। अब वो कश्मीर नहीं है, कश्मीर में बहुत अच्छे माहौल है, हालात हैं। As a theme of the summit, One Earth, One Family, One Future itself depicts oneness and peace. Here I am welcoming all the delegates and international audience to this summit. I really am hopeful that this summit fosters the growth and development of tourism sector here in J&K as well. टूरिज्म के फरोग की खातिर होने वाले इसी समिट में कल्चरल और आर्ट की भरपूर नुमाइश की खातिर तैयारियां जोरों पर हैं। We want to make sure that the culture, the rich cultural diversity of Jammu and Kashmir is reflected in its true perspective, and a platform is provided to all the youngsters, all the artists who are from Jammu and Kashmir and who have a great abundant talent, to give them a platform and to ensure that we portray our culture in the right perspective. We are going to hold events in these next 15 days as prelude to the G20 event, during the event and after the event in various locations. And through you, I would request all young and budding artists in Jammu and Kashmir, if they want to perform the Cultural Academy, they should get in touch with the officers in the Cultural Academy. We will be extremely forthcoming, and I have put people under instructions that we should be helpful and facilitatory to all youngsters who want to perform and give them a platform in the prelude to the G20 event. यहाँ पे जितने भी आर्ट्स हैं वो चाहते हैं कि हमें मौका मिले। चलो शुक्र अल्लाह का कि हमें आज मिला है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि जो आने वाले आर्ट्स हैं उनको भी बहुत सारा मौका मिलेगा। जो मेहमान आए हमारे बाहर से, इनका बहुत हमें हौसला अफजाई दी उन्होंने हमें, तो इससे हमें एब्जॉर्ब होता है कि हम ग्रोइंग, इंशाल्लाह हम ग्रो आर्टिस्ट हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पे आपके साथ, या यहाँ पे जितने हमें बाहर से आए हुए लोग हैं तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया सर, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जहां द लेक के किनारे G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के डेलीगेट्स के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, वहां उनको कश्मीर की सकाफत से रूशनास कराने के लिए मुकामी फनकारों के फन की रिहर्सलें भी हो रही हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि
22 से 24 तक श्रीनगर के अंदर G20 का एक समिट होने जा रहा है, एक सेशन उसका यहाँ होने जा रहा है। एक तो हम उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दूसरा ये चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर का कल्चर जो है इसको मुतारफ किया जाए रियासत से, मुल्क में और मुल्क से बाहर। तो उसी सिलसिले में हमने जी समर से पहले और उसके बाद और उसके दौरान भी बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स का इनेकाद करने का इरादा है, और 15 तारीख से हमने एक सिलसिला शुरू किया है जो ये बराबर 30 मई तक जारी रहेगा, और बिलखसूस हमने इनको सेलिब्रेट करने के लिए, इनका मुनक़द करने के लिए हमने इन टूरिस्ट प्लेसेस का इंतखाब किया है। जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम नेहरू पार्क में कर रहे हैं, कल हम जबरन पार्क में करेंगे, चश्मशाही में करेंगे, और दूसरे मकाम जो हैं उनमें भी हम ये प्रोग्राम करने के सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया है, हम पहली बार कश्मीर घूमने आए और हमारा सद्भाग्य है यहाँ पे G20 होने जा रहा है, और ये ऐसा कल्चरल प्रोग्राम हमें देखने मिला है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है यहाँ पे। ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है और कल्चरल के बारे में हम इसको बोल सकते हैं कि ये ट्विनिंग प्रोग्राम जैसा है, दूसरे कल्चर के बारे में हम जान सकते हैं। हम जितने दिन से यहाँ आए हैं तभी हम बड़े बड़े शहरों में घूम रहे हैं, और हम यही सोच रहे थे कि गांव में जाके यहाँ की कल्चर, यहाँ के लोगों की रहन सहन, यहाँ के रीति रिवाज के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ ये जो वाद्य है, यहाँ के लोकल वाद्य जो है वो बहुत बढ़िया लगा, हमें देख के बहुत बढ़िया लगा, और ऐसा गीत हमें कुछ समझ में नहीं आता था, हम वो लैंग्वेज हम समझते नहीं है कश्मीरी भाषा, मगर जो संगीत है ना उसी से हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए हम। 15-20 मिनट तक हम वहाँ बैठ के हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, अच्छा कार्यक्रम है। G20 समिट की तैयारियों के साथ साथ कश्मीर के अवाम हज पर जाने की तैयारियां भी कर रहे हैं। इस सिलसिला में एक हज कैंप का हवाल देखिए। मुस्लिम समुदाय के लिए मक्का और मदीना को बहुत ही पाक और पवित्र माना जाता है, इसकी यात्रा को हज यात्रा कहते हैं। साल 2023 में हज यात्रा में पंजीयन करने वाले चयनित यात्रियों को 21 मई से 6 जून तक मक्का भेजा जा रहा है। हज यात्रा पर जाने से पहले चयनित हज यात्रियों का टीकाकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस दौरान हज यात्रियों ने बढ़ चढ़ कर टीकाकरण कराया। हम तो जिस वक्त हम पहुंचे यहाँ पे तो हमें तो पता ही नहीं लगा कि आप इतनी हमारी मदद की गई कि सारा कुछ हमारा 10-15-20 मिनट में सारा हम फारग हो गए, इंजेक्शन भी लग गए, वैक्सीन भी होगी, सारा कुछ हो गया। ये टीकाकरण शिविर जम्मू कश्मीर के एसोसिएटेड अस्पताल GMC डोडा में आयोजित किया गया था। एसोसिएटेड अस्पताल GMC डोडा में 55 व्यक्तियों को टीका लगाया गया। ये जो हमारा कार्ड्स बनते हैं, पर्टिकुलर कार्ड्स बनते हैं जिसमें एक डॉक्टर का पूरा एक इंतजाम होता है, ये छोटा मोटा वो नहीं होता है। अब जैसे हमारे मरीज हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे मतलब मरीज तो नहीं है ये हमारे हज करने वाले हैं, लेकिन क्या कि इनकी उम्र के हिसाब से देखते हुए हमें इनका पूरा एक प्रोफाइल देखना पड़ता है, एक मेडिकल प्रोफाइल देखना पड़ता है, उसके तहत भेजना पड़ता है। इसीलिए अगर डोडा के आसपास के जो भी एरिया के लोग हैं वो हमारे पास खुद ही आए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाई हुई है, इसलिए ताकि हमारे पास वहाँ पे ये कोल्ड चेन सिस्टम मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ दवाइयाँ पहुँचानी मुश्किल हो जाती है, इसलिए वो सारे हमारे पास इधर ही आए हैं और यहीं पे लगवा रहे हैं। और इन केस अगर कोई परेशानी आती है तो हमने एक्स्ट्रा कोल्ड चेन मेंटेन करके एक्स्ट्रा वैक्सीन रखी हुई हैं जो इनको दी जाएंगी।
टीकाकरण का उद्देश्य हज यात्रियों को विभिन्न संक्रमणों से बचाना, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उनकी यात्रा और विदेश में रहने के दौरान किसी भी संक्रामक बीमारी से उन्हें रक्षा करना था। हॉस्टल में गवर्नमेंट की तरफ से हम एक फैसिलिटी मुहैया की जाती है वैक्सीनेशन की, इसमें पोलियो वगैरह का इन्होंने इंतजाम रखा होता है, जो बखूबी अंजाम पा रहा है। सभी हजरात अपना अपना काम खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं, हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश नहीं आई अभी तक। ये अल्लाह इनको इसका जजाय खैर दे। यहाँ की मैडम प्रिंसिपल साहिबा खुद एक एक आजम हाज के पास आकर उन्होंने उनका हालचाल पूछा, उनको मुबारकबाद दी और नेक दुआओं के लिए सभी से कहा कि हमारे हक में, पूरे इलाके के हक में, मुल्क के हक में, अमन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। हमारी भी आवाम से यही गुजारिश रहेगी कि यह सफ़र मुश्किल है, अल्लाह का करम इंशाल्लाह शामिल हाल रहेगा, मगर लोगों की दुआएं साथ होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सफ़र है। क्योंकि हम कम इल्म लोग हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि इन लोगों की दुआएं हमारे हक में कबूल हो, बाकी जब हम तक होगा। हमने जाना ही इसलिए है कि अपने लिए, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआएं करें, अपनी बख्शिश करवाएं और उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करें। हज यात्रियों ने टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा की गई व्यवस्था पर संतोष जताया। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।